वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज भी हमारी मेहमान है निहायत ही काबिल एहतराम बशर्फ़ निगाह रेवरेंड सिस्टर डॉक्टर अलिस्बत नियामत। आज हम इनकी बुलाहट के हवाले से, इनकी खिदमत के हवाले से, इनकी कॉन्ग्रीगेशन जमायत के हवाले से और इस तालीमी इदारे के हवाले से बातचीत करते हैं। तो सिस्टर जी, आपको एक बार फिर अपने दरमियान वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर जी। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी खिदमत और बुलाहट के हवाले से कुछ बताएं। देखें, बुलाहट जो है वो इंसान को कहाँ से आती है। बुलाहट इंसान को अपने वालदैन जो होते हैं ना, अगर वो घर में दुआ गो हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर इकट्ठे दुआ करते हैं, अपने बच्चों को चर्च में लेकर जाते हैं, इबादत गाहों में लेकर जाते हैं और वहाँ उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं, तो ये जो इज्तमाई दुआ होती है यही इंसान के अंदर, और फिर खुदा का कलाम सुनना जो चर्चिस में दिया जाता है, उस कलाम पर पेरेंट्स का काम है कुछ को अमल करवाना, और आई थिंक यही अमली चीज़ें जो होती हैं वो आगे चलकर इंसान के लिए खिदमत का एक जज्बा पैदा करती हैं। तो जहाँ तक मेरी खिदमत की बात है, तो हमारे कॉन्वेंट 10 कॉन्वेंट है पूरे पाकिस्तान में, और तकरीबन हर कॉन्वेंट में जो है मतलब मैंने अपनी खिदमात पेश की हैं, समटाइम्स एज अ टीचर, समटाइम्स एज अ पास्टर वर्कर, समटाइम्स थर पार्कर में, नगर पार्कर में, ट्राइबल लोगों में, समटाइम्स एज अ फॉर्मेटर, मैंने सेमिनेरियंस को पढ़ाया है, जो फॉर्मेशन हाउसेज में जो सिस्टर्स होती हैं स्टूडेंट्स उनको पढ़ाया है, स्कूलों में पढ़ाया है और सेंट जोसेफ कॉलेज में भी आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पर पढ़ाती थी और अब इस वक्त मैं यहाँ एज अ प्रिंसिपल अपनी खिदमत पेश कर रही हूँ। यानी कि हमेशा आपका मिशन राय के तालीम को आम करना है, बांटना है। सिस्टर जी, आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है कि आप अपनी कॉन्ग्रीगेशन यानी जमायत के हवाले से कुछ बताएं। हमारी जमायत का नाम डॉटर्स ऑफ द क्रॉस है और ये बेल्जियम बेस है और बेल्जियम के शहर लियेज में इस कॉन्ग्रीगेशन का आगाज हुआ और हमारी कॉन्ग्रीगेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो असरात थे उस वजह से मार्ज़ वजूद में आई। आपको पता है कि वो दूसरी जंग अजीम का दौर था और जिसमें बहुत सी बीमारियां, बहुत से कहत और इस तरह की चीज़ें हुई और लोगों को खिदमात के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत थी। तो हमारी जो जमायत की बानियां हैं मदर मारी ट्रेस, उन्होंने, उनकी बहन ने और उनकी कुछ साथियों ने मिलकर इस जमायत का आगाज किया था। सिस्टर जी, आपसे मेरा तीसरा और अहम सवाल ये है कि आप अपने इस तालीमी इदारे सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, इसके हवाले से इसके तारीखी पस मंजर को उजागर करें। जी, सेंट जोसेफ कॉलेज जो है वो 1948 में मार्ज वजूद में आया। आपको पता है कि ये सेंट जोसेफ स्कूल की ही एक शाख कह सकते हैं जो आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कूल से जो बच्चियां तालीम हासिल करके मैट्रिक करके आती थी उन्हीं को आगे सेंट जोसेफ कॉलेज में उनके वालदैन की ख्वाहिश पर इस कॉलेज को तमीर किया गया था ताकि बच्चियों की स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे और ओनली गर्ल्स कॉलेज जो है उसमें उनको स्टडी करने का मौका मिले। सिस्टर जी, आपसे एक और सवाल करते हैं कि आप अपने मिशन और विजन को उजागर करें। देखिए, मिशन तो वही है जो यीशु मसीह का मिशन हम लेकर चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाकर सब कौमों में सारी खलकत को जाके अंजील की मुनादी कर। अब वो उसमें हमारी खिदमात, चाहे वो एज अ टीचर हैं, चाहे एज अ सिस्टर हैं, चाहे एज अ नर्स हैं या मेडिकल में हैं या किसी भी फील्ड में, हम खुदा यीशु मसीह की उसी मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं। यानी अपने कामों से जाहिर करते हैं कि हम मसीह के हैं और जिंदा खुदा की तालीम को आम कर रहे हैं। सिस्टर जी, आप तालीम को जेवर को आम कर रही हैं, यानी आप एक माशरे को, एक कौम को बचाने के लिए एक औरत को तालीम दे रही हैं। यानी पढ़ी लिखी औरत होगी तो माशरा भी और कौम भी पढ़ी लिखी होगी। तालीम के हवाले से आप जो है वालदेन को और बच्चियों को क्या पैगाम देंगे? देखें, आज का दौर जो है आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है। हम दुनिया के
उस सभी दौर में पहुंच चुके हैं जहां साइंस ने टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। उसके लिए पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को एजुकेट करें, और बच्चियों के लिए भी कि अपने फोकस जो है, अगर उनका पढ़ाई है तो उनका पढ़ाई ही फोकस होना चाहिए, वो इधर उधर की बातों की बजाय अगर अपनी स्टडी पर फोकस करेंगी तो एक अच्छा मुस्तकबिल आने वाले दिनों में उनकी जिंदगियों में एक अच्छा मुस्तकबिल होगा अगर वो अपनी पढ़ाई जो है उस पर तवज्जो दें। सिस्टर जी, आपको हाल ही में एक तालीमी इदारे ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, तो अवार्ड किस इदारे ने दिया है और ये अवार्ड आप किन के नाम करते हैं? देखिए, ये प्राइवेट स्कूल्स की एक फेडरेशन है जिन्होंने ये अवार्ड मतलब किए, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने लेजेंड एजुकेशनल लेजेंड के नाम से ये अवार्ड से 2024, और इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स को अवार्ड मिला, बहुत से नामवर ऐसे लोग जिन्होंने कोई फलाही लिहाज से बहुत सा काम किया है, जैसे रेहान अल्लावाला जो है उनको अवार्ड दिया गया जो डिजिटल लर्निंग पर काम कर रहे हैं, बहुत से शुअरा अदीब और प्रिंसिपल्स को एजुकेशनिस्ट को अवार्ड मिले, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज जो उनको अवार्ड मिला, उनमें से मैं भी शामिल थी जिसको ये अवार्ड मिला। तो अब ये अवार्ड कैसे मिला और क्यों मिला मुझे? मोस्ट प्रोबेबली देखें, तालीमी इदारों में जो हमारी खिदमात होती हैं और किस तरीके से हम अपनी खिदमात पेश करते हैं, वही वजह बनती है इस चीज़ को अवार्ड देने की। तो वो मेरा ख्याल उनका कोई प्रोसेस था जो मुझे नहीं पता, मुझे तो इन्विटेशन आया, फिर लेटर आया, और उसके मुताबिक, यानी कि आपकी खिदमात को देखते हुए आपको जो है ये भी ब्लेसिंग है और एक और अवार्ड मिला आपको। हाल ही में आपने PhD की डिग्री हासिल की है, और ये PhD की जो डिग्री हासिल की है इसके हवाले से आप कुछ बताएं कि कैसे मुमकिन हुआ कि आप तो इतने बिजी हैं कि स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट, और कैसे टाइम निकाल लिया आपने? देखें, जब मैंने अपना MPhil स्टार्ट किया उस वक्त COVID-19 शुरू हुआ था, चूँकि स्कूल में तो मैं बहुत बिजी थी एज अ प्रिंसिपल, लेकिन जब मैं पढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे, और मेरे लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी निकली कि उन दिनों में स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे थे MPhil के, तो मुझे काफ़ी लोगों ने काफ़ी देर से सोचा हुआ था लेकिन कोई प्लान नहीं बन पा रहा था, तो COVID-19 ने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सूरत में, हम इसे कह सकते हैं कि दिखने में तो वो एक डिस्गाइज था लेकिन उसमें ब्लेसिंग ये निकली कि मुझे मौका मिल गया कि क्योंकि स्कूल ही बंद था, और 2 साल आपको पता है कि इवेंचुअली स्कूल बंद रहा है, तो मैंने उन 2 सालों को यूटिलाइज किया और मैंने अपनी स्टडी जो है उसको आगे फर्दर किया और अपना MPhil मुकम्मल, यानी टाइम वेस्ट नहीं किया आपने जी, मौके से फायदा उठाया और तालीम बांटने के लिहाज से और फिर हासिल भी किया आपने जी। सिस्टर जी, ये अवार्ड ब्लेसिंग जो आपको दिया गया है, आप इस अवार्ड को किसके नाम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अवार्ड को जीसस के नाम करती हूँ कि यीशु मसीह ही हमारे सबसे पहले उस्ताद हैं, जो एज अ टीचर जिन्होंने इंजील मुकद्दस में हम अपना किरदार अदा किया एज अ टीचर, और उसके बाद मैं अपने तमाम दुनियावी असातिज़ा के नाम करती हूँ जिनकी बदौलत मैंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाया और आज खुदा ने मुझे जो है इस अवार्ड से नवाजा है। देखा नासरीन, सिस्टर जी ने बड़े खूबसूरत अल्फाज अदा किए कि ये सबसे पहले मैं अपने खुदा यीशु मसीह के नाम करती हूँ। यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती की अंजील में फरमाते हैं, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, यानी कामिल उस्ताद, कामिल टीचर वो एक ही है, वो मेरा और आपका यीशु है। तो सिस्टर जी ने ये अवार्ड खुदा यीशु मसीह के नाम और उसके बाद असासा कराम के नाम किया है। नाजरीन, सिस्टर जी को खुदा ने बहुत सारी जो है नेमतें अता की है, उनमें से जो कुछ नेमतें जो हमने देख ली, सुन ली, और एक दो नेमतें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि सिस्टर बहुत अच्छी राइटर भी हैं, शायरा भी हैं, और खुदा ने इनको आवाज़ भी बहुत अच्छी दी, ये भी एक नेमत है। और ये चूंकि रोज़ों के, रियाजत के और दुखों के आयाम है, और हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं
अपनी जिंदगियों पर पशेमान होते हैं, तौबा करते हैं और यीशु मसीह के साथ उसके सलीबी सफर में उसके साथ साथ चलते हैं। तो सिस्टर जी, इन मौसम के हवाले से, इस मौसम के हवाले से आप जो है वो कुछ हमें गुनगुना के बताएं। हाँ जी, मैंने कुछ साल पहले एक गीत लिखा था जिसमें मैंने मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह की जो आखिरी मुलाकात थी, जिससे पहले गुड फ्राइडे का जो डे है उसकी मुनासिबत से ये मैंने गीत लिखा था कि यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की जो मुलाकात थी उसमें यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम से क्या कहा होगा और मुकद्दसा मरियम ने यीशु से क्या कहा होगा। तो मैंने उसको शायरी की सूरत में लिखा है, तो मैं वो आपके सामने पेश कर सकती हूँ। यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से को वो दिलासा देते हैं कि जो मेरे साथ, आपको पता है कि यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरे साथ जो होना है वो वाजिब है, लेकिन एक माँ का जो दिल होता है वो एक बहुत ही डिफरेंट अंदरूनी कैफियत, माँ बेटे की अंदरूनी कैफियत है ना, उस पर मैंने ये गीत लिखा है। तो मैंने जो मेरे शायरी के बोल हैं वो ये हैं, मारो आईना ना रोई माँ, पावे निकल जावे मेरा हर एक सा, तू फिर भी नीर वगामिना ना रोई माँ रोई ना, जरा याद ते करे ओ वादा जड़ा कीता सी तू रब देना, तेरी जान च तलवार वजेगी क्या सी शमाउन बड़े होए सा, ओ वादा तू भूल जाऊं ना ना रोई माँ रोई ना रोई माँ रोई ना। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था हमेशा होगा, आमीन। नाज़रीन, देखा कि सिस्टर जी ने माँ और बेटे की कैफियत को किस तरह कलमबंद किया और अपनी आवाज से किस तरह उजागर किया। यकीनन माँ और बेटे की इस कैफियत को देखते हुए हम भी अपने दिलों को चाक करें और अपने यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि हम इन आयाम में हम भी यीशु के दुखों को महसूस करें, उसके साथ सलीबी रास्ते पे चले, उसके साथ दुख उठाएं, मसलूब हों और उसके साथ जी उठे। सिस्टर जी, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका, आपके इस इदारे का, कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको, आपकी जमायत को और आपके इस तालीमी इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी बरकतें, तरक्की अता करें, ताकि आप इसी तरह तालीम को हर एक में बांट सके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक इतना ही, हमेशा की तरह साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।